प्रियंका चोपड़ा के मच अवेटेड अमेरिकन टीवी सीरियल क्वांटिको के रिलीज होने का वक्त अब करीब आ गया है। इंटरनेशनल सेंसेशन बॉलीवुड की देसी गर्ल के इस शो का प्रसारण अमेरिकी समय अनुसार 26 अप्रैल को रात 10 बजे रिलीज किया जाएगा। यानी अब FBI एजेंट एलेक्स के किरदार में एक बार फिर प्रियंका की वापसी को देखने के लिए उनके फैंस की निगाहें टिक गई है। प्रियंका चोपड़ा ने क्वांटिको के 30वें सीजन के लिए नए ट्रेलर को जारी कर शो के लिए रिमांड कराया है। क्वांटिको में FBI एजेंट एलेक्स पेरिश के किरदार में प्रियंका चोपड़ा को खूब पसंद किया गया था और इसके बाद से वो इस सीरीज का अहम सदस्य बन गई। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है जिसकी शूटिंग न्यूयॉर्क और आयरलैंड में हुई है। इस शो ने प्रियंका चोपड़ा को देश के बाहर विदेश में खूब पहचान दिलाई और घर घर में लोग उन्हें जानने लगे। क्वांटिको के नए सीजन में 13 एपिसोड होंगे, हालांकि ये पहले दोनों सीजन के मुकाबले कम है। क्वांटिको सीजन 1 और सीजन 2 में 22 एपिसोड थे। ग्लोबल फेम बनी प्रियंका के पास हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की भी भरमार लग गई है और इस सीरियल के अलावा वो फिलहाल हॉलीवुड की 2 फिल्में कर रही हैं। ये फिल्में हैं अ किड लाइक जैक और इजंट एन रोमांटिक। इधर प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में भी वापसी के लिए कदम बढ़ा दिया है और वो सलमान खान की फिल्म भारत में नजर आने वाली है। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, ये फिल्म अगले साल तक रिलीज होगी। प्रियंका आखिरी बार साल 2016 में प्रकाश राज की फिल्म जय गंगा जल में दिखी थी और उसके बाद वो हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई थी। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।